नमस्कार दोस्तों, चमत्कार प्रदर्शन प्रस्तुत डू इट योरसेल्फ में आपका स्वागत है। आज हम लोग फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन रिपेयर करने वाले हैं। तो ये है IFB की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, जो एकदम ही कपड़े उसके अंदर डले हुए थे, प्रोसेस चल रही थी और एकदम ही बहुत खराब आवाज करने लग गई, और हम लोगों ने इसे बंद किया। अभी हम लोग देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। अभी तो कुछ हम लोगों ने कपड़े निकाल दिए, तो अंदर हम लोगों ने खोल के देखा ड्रम। अगर हम लोग घुमाएंगे तो ये आवाज आ रहा है, मतलब हमारा जो ड्रम है वो आजू बाजू में घिस रहा है कहीं ना कहीं से। तो इसमें अब देखते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं। दोस्तों पहले हम लोग इसका पावर सप्लाई बंद कर देंगे, मतलब निकाल देंगे, ऑफ तो था ही, और वाटर वाल बंद कर देंगे और उसका जो पाइप है वो निकाल लेंगे। दोस्तों जनरली फ्रंट लोड मशीन में टॉप से खुलना होता है, तो हमारा जो ऊपर का शीट है वो यहाँ पे, इसके लिए दो स्क्रूज है, यहाँ पे एक है और एक वहां पे, तो हम लोग खोल लेंगे। दोस्तों अगर कोई भी मशीन पर काम कर रहे हो तो उसके जो नट बोल्ट्स है वो निकाल के हमेशा एक अलग से वेसल में रख दीजिए, ताकि बाद में होना चाहिए। उन्होंने रख दिया। अभी हम लोग ऊपर का ऊपर की शीट खोलेंगे, पीछे धक्का मारना होता है और ऊपर से खोल लेना होता है। हमने पीछे धक्का मारा और ऊपर से खोल लिया, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इंटरनल डिटेल्स हम लोग समझेंगे, बट ये था कि हम लोगों ने खोलते वक्त इस साइड से आगे पुश किया, क्योंकि आगे कुछ भी कनेक्शन नहीं था, पीछे दो बोल्ट थे यहाँ पे हमारे और ये तीन उसके अंदर अटैच हुए थे, फिक्स हुए थे, तो हम लोगों ने आगे से पुश किया तो अच्छे से निकल गया। अब हम लोग पीछे का डोर भी ओपन कर लेंगे। ये हमारा इनपुट वाल था जो हम लोगों ने निकाला था, तो वो भी हम लोग देख रहे, क्योंकि फिल्टर में तो कभी नहीं कचरा होता है, जैसे हम लोगों ने नल में समझाया था, तो वो भी क्लीन करना चाहिए, वो अभी तो ठीक है। और हम लोग भी उसका जो इनलेट है मशीन में, वहां से हम लोग उसे निकाल रहे हैं, और इसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि फिल्टर होता है। तो अगर पानी नहीं जा रहा है तो एक तो हमारा वहां पे जहां पे पाइप था वहां का फिल्टर, और ये दूसरा फिल्टर भी हमें निकाल के साफ कर लेना चाहिए, तो हम लोग निकाल लिया, आराम से साफ कर सकते हैं। वैसे ही जैसे टैप का फिल्टर साफ किया था, आपको नल बदलने की वीडियो में मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बैक कवर देख रहे हैं, बैक कवर पे हम लोगों को दिख रहा है कि ऊपर दो बोल्ट्स हैं, नीचे कुछ दो बोल्ट्स हैं, तो ये अराउंड 10 बोल्ट्स हैं जो हम लोग फटाफट खोल लेंगे प्लस स्क्रू ड्राइवर से, सारे थोड़े थोड़े लूज कर लेंगे और फिर आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। तो बैक कवर अब निकल चुका है, अंदर हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी ये मोटर का हमारा शाफ्ट है, उससे हमारा बेल्ट लगा हुआ है और बेल्ट से हमारा ये डिस्क रोटेट हो रहा है जो अंदर के ड्रम को रोटेट करता है, ये सीधा अंदर के ड्रम से कनेक्टेड होता है और ये हम लोग ड्रम का बेस कहते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि आवाज आ रहा है घुमाते घुमाते, तो अच्छे से डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग एक बार बेल्ट निकाल लेते हैं। फिर स्क्रू ड्राइवर हम लोगों ने माइनस डाला है और उसको रख के हम लोगों ने घुमा दिया, तो आराम से बेल्ट हमारा निकल गया है। तो किसी एक पार्ट पे ही हम लोग देख रहे हैं घिस रहा है, बाकी स्मूथ जा रहा है, तो मोस्टली मोटर का इशू तो नहीं होना चाहिए ना। हम लोगों ने बेल्ट निकाल दिया, मोटर से कनेक्शन निकाल दिया, तो भी आवाज़ आ रहा है। तो दोस्तों ड्रम में हमारे जो कपड़े होते हैं अराउंड इस मशीन की कैपेसिटी 6-7 kg जैसी है, तो उतने सारे कपड़े जब इतनी स्पीड में घूम रहे होते हैं, जब लॉन्ग स्पिन ड्राइव में, तो वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए ऊपर हमारा ये पूरा डेडवेट लगाया हुआ होता है, ताकि डैमेज ना हो वायरिंग को, सिस्टम को ज़्यादा वाइब्रेशन ना आए। तो पहले हम लोग डेडवेट निकाल लेंगे, ताकि हम लोग आगे ड्रम चेंज करना पड़े ऐसा कुछ हो तो दिक्कत ना हो।
तो इसको तो हम लोग फिक्स स्पैनर से खोल रहे हैं। तो ये जो हमारा नट है वो नीचे है, तो उसके लिए हम लोग को बॉक्स स्पैनर लगाना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास है नहीं, तो हम लोग फिक्स स्पैनर ही लगा देंगे और ऊपर से स्क्रू ड्राइवर डाल के ऐसे लीवर की तरह खोलने का ट्राई करेंगे, जो अच्छे से खुल रहा है, क्योंकि हमारा जो फिक्स पैनल है वो सही नंबर का हम लोगों ने लगाया है इसीलिए। तो अब निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये हम लोग देख रहे हैं बोल्ट्स इसमें से लगाए हुए थे, अंदर के ड्रम में से नहीं। तो दोस्तों हम लोग को ये ड्रम निकालना पड़ेगा, क्योंकि बेयरिंग और जो भी प्रॉब्लम है वो अभी अंदर देखिए हम लोग को पता चलेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये हमारा जो वाटर डिस्पेंसर होता है उसे हम निकालेंगे, हमारे जो तीन स्लॉट्स होते हैं, और तो हम लोगों ने बाहर से जहाँ से पानी जाता है वो निकाल लिया, और यहाँ से हमारा वाटर इनलेट था जो हम लोगों ने निकाल दिया था, तो वहाँ से ये दो इनपुट्स होते हैं, उसके लिए हम लोगों ने मार्किंग कर दिया है यहाँ पे वाइट और ब्लू, ताकि वापस जब लगाएंगे तो दिक्कत ना आए। तो हम लोग करेंगे, और अभी ये हमारे दो स्क्रूज हैं यहाँ पे उसके लिए जो हम लोग खोल लेंगे। तो ये हमारा निकल गया, अभी वायरिंग भी निकाल लेंगे, बस वायर्स हमारे निकल गए। स्क्रूज हमें वहीं पे लगा देने चाहिए ताकि कहीं पे हम लोगों को याद रहे कि वहीं पे है और वहीं पे रहे, हो ना जाए। तो ये वाटर डिस्पेंसर से आउटलेट ड्रम में जाता है, तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे ड्रम से कनेक्शन। ये हमारा प्रेस क्लिप है, इसे हम लोग प्रेस करके ऐसे निकाल लेंगे। तो हम लोगों ने प्लायर यूज किया निकालने के लिए। यहाँ पे दो स्क्रूज है वो हम लोग खोल लेंगे, ताकि हम लोग डिस्पेंसर पीछे से निकाल सके, ये एक और ये दो। बस तो खोल लेते हैं फटाफट। दोनों स्क्रू लूज हो गए, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ये स्लाइडिंग लॉक है, इधर वो नैरो है फिर आगे ब्रॉड है, तो इसे हम लोग धक्का मार देंगे स्क्रू ड्राइवर से, पुश करना है बस, तो ये निकल जाता है। आगे भी थोड़ा सा लॉक था वो भी उसके साथ ही खुल गया। तो ऊपर का ये एयर वेंट था और नीचे हमारा पानी का ड्रेन था जो इनलेट में जा रहा था ड्रम के, तो वाटर डिस्पेंसर से यहाँ से टैंक में। तो ये हमारा जो प्रेस क्लिप है उसे हम लोग प्लायर से दबा के खोल लेंगे। हाँ, तो हम लोग प्रेस करके निकाल लेंगे प्लायर से, अच्छे से हो गया, तो पूरा सिस्टम निकल चुका है। तो वाटर डिस्पेंसर यूनिट पूरा निकल चुका है, हम लोग अभी ये जो दूसरा एयर वेंट है उसे हम लोग निकाल लेंगे, प्रेस क्लिप ही है इधर भी, प्लायर से प्रेस करके आराम से निकाल लेंगे, तो निकल गया। दोस्तों ये जो बाहर का ड्रम होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसके अंदर और एक लेयर होती है जिसके अंदर पानी होता है, और ये फाइनल लेयर होती है जिसके अंदर हमारे कपड़े होते हैं। तो ये पूरी अलग से ऐसे उसके अंदर सिर्फ कपड़े होते हैं, तो हमारा जो पूरा ड्रम है उसके साथ ही अटैच्ड ही होता है ये जो हम लोग रबर देख रहे हैं, बट उसको हम लोग अंदर से बाहर लेते हैं और यहाँ पे एक स्टील की रिंग से हम उसे लॉक कर देते हैं। उस रॉन्ग लॉक पे स्प्रिंग लगी होती है इसलिए उसे हम लोग निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, यहाँ पे एक ग्रूव है उसमें हम लोगों ने स्क्रू ड्राइवर डाला और अच्छे से हम लोग रिंग निकाल रहे हैं, आराम से हमारी रिंग निकल गई। तो हमारा जो लॉग है वो निकल गया, अब हम लोग इसे आराम से अंदर डाल सकते हैं, खींच के ही डोर से उसे डिस्कनेक्ट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कितने इजीली निकल रहा है, ये ड्रम से कनेक्टेड है, डोर से सिर्फ उस रिंग की वजह से ही कनेक्टेड था ये। तो इसे हम लोगों ने अंदर ले लिया, हम लोग देख रहे हैं पूरी रिंग में नीचे का ही सिर्फ पार्ट स्प्रिंग का दिया हुआ है जो एक जहाँ से एक्सटेंड हो सके। तो अभी हम लोग इसे वापस डोर पे लगा देते हैं ताकि बाद में यहीं से हम लोग ले पाए।
हम लोग देख रहे हैं, बाकी से हम लोग एक बार प्रेस कर देंगे और स्प्रिंग से एक्सटेंड होगा, वो लग गया। तो यहाँ पे जो कनेक्शन है वो हम लोग को निकालने पड़ेंगे ड्रम ऊपर से निकालने के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है, यहाँ पे हमारा हीटर का है। तो उसमें हम लोग लिख दिया है RGB कलर, वायर कलर के हिसाब से RGW, और नीचे हमारे मोटर के 10-पिन कनेक्टर है, ऊपर ब्लैक है नीचे वाइट है, ऐसे हम लोग थोड़ा याद रख सकते हैं। और ये हमारा अर्थिंग का वायर है, तो हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके निकाल लेंगे। अर्थिंग का वायर हम लोगों ने प्रेस करके निकाल लिया, हम लोगों को कनेक्टर निकालना है। ये कनेक्टर्स भी खींच के ही निकालने होते हैं, हम लोगों ने निकाल लिया 10-पिन कनेक्टर। अब यहाँ पे हम लोग हीटर के वायर निकाल लेंगे। और ये जो जिप टाई है वो हम लोग कट कर लेंगे। अभी हम लोग प्लायर से कर रहे हैं, बाकी सीजर एंड ऑल से करना ज्यादा अच्छा है, सीजर कटर सब। अब हम लोग जो ये प्लास्टिक है पूरा हमारा बॉक्स शील्ड जैसा जो वायरिंग को कनेक्ट कर रहा था वही निकाल लेंगे। तो हम लोग खोल देते हैं, अच्छे से निकल गया। एक प्रैक्टिस हमें ये रखनी है कि जो स्क्रू जहाँ से निकला है मोस्ट ऑफ वहीं पे अगर कभी कभी लगा के रख दे तो अच्छा है, क्योंकि हमारे पास हम लोग रखेंगे तो 40 स्क्रू जैसे हो जाएंगे और पता नहीं चलेगा कौन सा कहाँ पे लगेगा। तो जहाँ से भी निकला था वहाँ पे थोड़ा सा टाइट करके रख दे ताकि घूम भी ना हो और हम लोग को पता चले कि कहाँ लगाना है। दोस्तों ये जो डैम्पर्स होते हैं शॉर्ट हेड कवर जो हम लोग कहते हैं नीचे लगे हुए थे, तो उसके ऊपर जो हम लोग यहाँ पे दिख रहा है जो हमारा लगा हुआ है लॉक, तो वो हम लोगों ने अभी निकाला। तो वो होता कैसा, तो वो हम लोग ऐसा होता है, तो वो इट इज़ जस्ट अ प्रेस फिट। तो हम लोग इसे ऐसे, मतलब अगर यहाँ पे हम लोग ऊपर की साइड पे देखें तो यहाँ पे ऐसे ही डाल दिया गया है, बट वो दूसरी साइड जाके लॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग को दिख रहा है ये, हाँ वो बाहर आई हुई चीज़ है, वो वहाँ जाके बाहर हो जाती है, फिर उसे हम लोग को प्रेस करना पड़ता है और फिर उधर से निकालना पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब लोग इस साइड वाला निकाल, तो इसको हम लोग ऐसे स्क्रू ड्राइवर से प्रेस कर सकते हैं, बट स्क्रू ड्राइवर से उस पोजीशन पे परफेक्टली प्रेस करके रखना इज नॉट दैट ईजी। तो कुछ कुछ लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं कि छोटा वो सेम साइज़ का सिलेंडर मिले, तो हम लोगों ने ये रिंग पाना यूज़ किया जो सेम साइज़ का था। तो जैसे ही अंदर गया तो हम लोग देखा कि वो दब चुका है, तो इसके बाद अगर मैं पीछे की साइड से उसे धक्का मारता हूँ तो वो आगे के नट में से निकल जाएगा। नीचे देख रहे हैं बाहर निकला हुआ है, ये हमारा लॉक कर रहा है, तो इसे हम लोग दबा देंगे हमारे रिंग पर। तो उस पार्ट को हम लोग रिंग पर से प्रेस कर दिया, हम लोग पीछे इसी साइड से उसे पुश करेंगे और वो आगे से निकल जाएगा क्योंकि हम लोगों ने उसे अच्छे से प्रेस कर दिया। देख रहे हैं कि हेड के साइड से अच्छे से निकल,
तो दोस्तों ये निकल गया। तो दोस्तों हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे कनेक्शन निकाल दिए, सिर्फ स्प्रिंग लगी हुई है, दो स्प्रिंग्स जो उसका वेट लेती है। तो ड्रम अभी निकालना है ताकि उसके अंदर से हम लोग बेयरिंग या फिर जो प्रॉब्लम हो वो देख सके, तो इसे उठाना पड़ेगा। तो हम लोग दिख रहे हैं यहाँ पे कि एक ये हुक है, यहाँ पे हम लोग को एक हुक दिया हुआ है और यहाँ पे भी एक हुक दिया हुआ है। तो उन दोनों हुक में से चेन ले लिया हम लोगों ने, जो हम लोग लगेज को लगाते हैं बाहर जाते तब, और ये हमारा दो हम लोगों ने लगा दिया। अब हम लोग इसके अंदर एक रॉड डाल देंगे। और ये दूसरा एक प्लैंक है जो हम लोग यहाँ पे इसके नीचे रख देंगे। डाल दिया है और यहाँ पे हम लोगों ने बेस बना दिया उसके लिए मशीन पे रेस्ट करके। अब यहाँ से प्रेशर देके मशीन को थोड़ा ऊपर ले लेंगे और स्प्रिंग निकाल लेंगे। मशीन ऊपर आ गई, हम लोग स्प्रिंग निकाल लेंगे। वो स्प्रिंग निकल चुकी है, राइट साइड की स्प्रिंग हम लोग भी निकाल रहे हैं। निकल गई है राइट साइड की स्प्रिंग भी, तो दोनों स्प्रिंग अभी निकल गई है। दोस्तों हम लोगों ने ये निकाल लिया है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारा रॉड था, हम लोगों ने रेलिंग से कनेक्ट किया था, नीचे भी हम लोगों ने इसे एक उल्टे पार्टी पर रखा हुआ है ताकि शाफ्ट टच ना हो। और नीचे हमारे ये रहे हमारे जो हमारे बैलेंस, तो ये रहे डैम्पर्स, तो ये नीचे की साइड है और हम लोग वेट निकाल लेंगे। तो वही हम लोग रिंग पाना यूज़ कर सकते हैं क्योंकि नीचे है सरफेस के, और एडजस्टेबल या फिर फिक्स पैनल भी यूज़ कर सकते हैं, ये रिंग पैनल। हम लोग ये देख रहे हैं कि इंडस्ट्री में जो प्रोसेसेस क्या होती है, हर जगह पे वो लोग नट लगाएंगे, वॉशर लगाएंगे, मतलब ये सारी हमारी हैबिट होनी चाहिए जो हम लोग कुछ भी बना रहे हो। तो हम लोगों ने निकाल लिया, ये सिर्फ हम लोगों ने उल्टा कर दिया है जो हमारा बाहर का कवर था निकालने के लिए, ईजी करने के लिए। तो इससे हमारा डेड वेट कनेक्टेड था, ये जो हमारे लगे हुए हैं स्क्रूज नीचे इसमें फिक्स हो रहे थे, हम लोग देख रहे हैं ऐसे। तो वो हम लोग अभी ऐसे थे। तो दोस्तों हमारे गेट से कनेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे एक ऐसे लॉक था जो गेट से लगा हुआ था, वैसे ही एक स्टील का हमारी रिंग जैसा होता है वो यहाँ पे लगा हुआ है, उसका हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ग्रूव कहाँ पे, और उसको स्क्रू ड्राइवर निकाल के निकाल लेते हैं और आराम से खींच के आराम से वो बाहर निकल जाता है। तो ये जो रबर है उसमें ऊपर इंडिकेशन देने के लिए यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, ये ऊपर की साइड पे है, हम लोग सिर्फ उसको खींच लेंगे तो भी वो निकल जाएगा क्योंकि उस पर लॉक नहीं लगा हुआ है। तो देख रहे हैं पूरा हमारा जो रबर का होता है वो निकल चुका है, और अब हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारी डिस्क है। हम लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो हम लोग आउटर ड्रम जो है वो हम लोग नट बोल्ट निकाल के, ये जो आ रहे नट बोल्ट्स है वो निकाल के खोल लेंगे। वापस वही लगा रहे ताकि बाद में वही से ले ले। बस पहले हमें एक नट देना होता है जोर से दबा के, उसके बाद बहुत इजीली खुल जाता है।
ये हम लोग जब इस ड्रम को खोलेंगे उसके बाद ही हमें अंदर के क्या हुआ है पता चलेगा, अंदर के ड्रम के बीच में बेयरिंग में इशू है, क्या प्रॉब्लम है वो हम लोग को ये ड्रम खोलने के बाद ही पता चलेगा। कवर, ये कवर खोलने के बाद ही पता चलेगा। चल दिए हम लोग इसे ऊपर से खोलते हैं कवरिंग को। वो तो ठीक। तो अब हम लोग देख रहे हैं ये पूरा ड्रम है। हम ड्रम को खींच रहे हैं, वो निकल नहीं रहा है। अभी ड्रम निकल नहीं रहे तो अभी हम लोग शाफ्ट प्रेस करके उस साइड निकाल रहे हैं। तो शाफ्ट ओपन हो ना उस साइड खींच के तो अभी हमारा ड्रम निकलना चाहिए। तो पूरा आउटर ड्रम निकल चुका है और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अच्छी तरह से ये टी स्ट्रक्चर जो होता है ऑलमोस्ट टूट गया है, बिल्डिंग से टूट गया है। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये हीटर है, इसका कनेक्शन पहले हम लोग निकाला था। बाकी यहाँ पे जो वाल्व है वो पानी के अंदर आने के बाद से हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने क्लीन कर लिया है ये आउटर जो कवरिंग था और हमारा ये ड्रम है। क्या हम लोग देख रहे हैं हमारा जो टी वाई स्ट्रक्चर जो होता है जो मोटर से चेन से शाफ्ट से पूरे ड्रम को घुमाने में एनर्जी ट्रांसफर करता है, रोटेशनल एनर्जी, वो टूट चुका है। तो ये हम लोग यहाँ पे वेल्डिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकते और यहाँ पे इसे निकालना पड़ेगा वाई शेप को, तब जाके दूसरा वाई शेप हम लोग नया इसके जगह पर लगा पाएंगे। फिर हम लोग खुद से खोलना हमें ट्राई नहीं करना चाहिए। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पानी की वजह से यहाँ पे स्केलिंग जो कहते हैं वो हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब खुद से ट्राई किया था स्क्रूड्राइवर से खोलना तो हमारा स्क्रूड्राइवर टूट गया था। तो हमें इसे हीट करना है थोड़ा सा फ्लेम से और गर्म हो जाए फिर खोलना है तो वो अच्छे से खुल जाएगा। तो ऐसे ही ये तीन बोल्ट निकालने हैं और ये हम लोग वाई चेंज कर देंगे। अब दूसरा मशीन में हम लोग देख रहे हैं कुछ कुछ पार्ट्स में करोजन हो गया ऊपर, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग पेंट लगा देंगे उसके जगह पे अभी ताकि आगे फ्यूचर में ज़्यादा करोजन ना हो। यहाँ पे ये दोस्तों अभी रात के 12 बज रहे हैं, अभी हम लोग इस स्प्रे पेंट को सूखने देंगे और सुबह फिर हम लोग इस वाई के बारे में कुछ। ये हमारा पुराना वाई जो था टूटा हुआ तो हम लोगों ने ड्रम से निकाल लिया है, ये नया हम लोग लेके आए हैं। यहाँ से हम लोगों ने अच्छे से निकाल दिया, यहाँ से गर्म करके। तो हम लोग को यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि इसमें पुराने वाले में एक ही होल था, अब इसमें दो होल्स हैं। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे ड्रम में ज्यादा होल्स करने पड़ेंगे दोनों एंड से। चलो शुरू करते हैं, लगा देते हैं।
दबा के ही लगाना है। तो दोस्तों इन दोनों होल्स के लिए हमें मार्किंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो होल्स हैं वो थ्रू होके यहाँ पे अंदर आएंगे, तो वहाँ से हम लोग पेंसिल डाल रहे हैं और अंदर की साइड पे मार्किंग कर रहे हैं पेंसिल से। यहाँ पे हम लोगों ने मार्किंग कर लिया वन साइड में, नीचे के ड्रम पे भी वन, ताकि हम लोगों ने जो होल्स मैच किए वैसे ही हम लोग वापस लगाए ड्रिल करने के बाद। मार्किंग हो चुकी है, उसके ऊपर हम लोग पंच मार रहे ताकि एक हम लोगों को इनिशियल मिल जाए जहां पे हम लोग ड्रिल कर सके। फिर अभी उसके साइड में तो चलो हम लोग अभी ड्रिल मारते हैं। अभी हम लोगों ने छोटी ड्रिल बिट से ड्रिल किया था और सपोर्ट के लिए हम लोगों ने यहाँ पे नीचे रखा हुआ। छोटी ड्रिल से हम लोगों ने पहले होल किया था, अभी हम लोग बड़ी ड्रिल से करेंगे। तो हम लोग इसके अंदर हमारा हब डालते हैं। पूरी तरह से हम लोगों ने दबा दिया ताकि अच्छे से नीचे आ जाए और हम लोग थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। ये एलन की वाले बोल्ट है, पुराने जो थे वो प्लस टाइप स्क्रूड्राइवर से हो जाए वैसे थे। दोस्तों सारे बोल्ट्स अच्छे से लग चुके हैं, पूरी तरह से हमारा जो हब है वाई हब वो फिक्स हो चुका है। अब ये इन्वर्ट होके इसके अंदर जाता है ड्रम के अंदर, और हमारा जो बेस हम लोग कह रहे हैं आउटर कवरिंग जो कह रहे हैं। तो यहाँ पे पहले एक गास्केट था जो हम लोगों ने ऐसे स्क्रू ड्राइवर से डाल के निकाल दिया ऑयल सील, और नीचे हम लोग देख रहे हैं एक बेयरिंग है वो भी अभी हम लोग निकालेंगे। और ऐसी ही बेयरिंग इसके दूसरे साइड पे थी यहाँ पे, जो हम लोगों ने उस पीछे की साइड से ठोक के बाहर निकाली, ठीक है। और यहाँ से हमारा शाफ्ट बाहर आता है और उसके ऊपर चेन लग के, मतलब उसके ऊपर हमारा एक व्हील जैसा
पार्ट लग के उसके ऊपर हमारा जो बेल्ट घूमता है मोटर के साथ। तो चलो ऊपर की बैरिंग निकालते हैं। हमने बेस को उल्टा रख दिया है टेबल पे और ऊपर की साइड से हम लोग मतलब बाहर की साइड से हम लोग इस बेरिंग को पुश करेंगे। तो पुश करने के लिए हमें जनरली ऐसा कोई सिलेंडर जैसी चीज़ चाहिए जो सबको इवनली पुश कर सके पूरे बेरिंग को। तो अभी हमारे पास ऐसी एक चीजल है जिसका जो हेड है वो अराउंड थोड़ा सा बड़ा है, वो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स को टच कर पाएगा। तो उसके ऊपर हम लोग हथौड़ी से मार के पुश करेंगे। तो हमारी बेरिंग ऑलमोस्ट, तो हमारे बाहर की साइड पर ऑयल सील था तो उसके जगह पे अभी हमारी बेरिंग आ गई है, पुश हुई है वो थोड़ी आगे। तो ऐसे ही आराम से बेरिंग निकाल। बेरिंग पे आजकल मिडल रिंग साइज लिख के मतलब नंबर लिखा होता है जो साइज को सिग्निफाई करता है। तो ये हमारा जो 2RS है इसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है उस साइड को बाहर की साइड रखना हम लोग अंदर डालेंगे। जैसे ही होता है कुछ करके डालना है बट ऐसे अंदर डालते हम लोग को बाहर की बाउंड्री पे अच्छे से आराम से चला गया था हाथ के दबाने से। ये तो बस रिकन्फर्मेशन से थोड़ा सा और टाइट कर लो। पीछे की साइड की बेयरिंग दिख रही है हमें और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये उसका रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ तक हम लोग दूसरी बेयरिंग डालेंगे और यहाँ से हमारा शाफ्ट निकलता है, फिर हमारी डिस्क लगती है और इस साइड से मोटर कनेक्ट होती है मोटर उस बेल्ट के साथ। दोस्तों वापस इस साइड भी नंबर वाली साइड बाहर रख के हम लोग बेयरिंग डालेंगे। अब हमें पुश करना है इसे अंदर के हमारा जो ड्रम है उसके शाफ्ट के साथ। आउटर हमारा कवरिंग हो चुका है, हम लोग देख रहे हैं कैसे अच्छे से घूमता है। वैसे ऐसा नहीं होता है, शाफ्ट घूमता है और ड्रम भी घूमता है। जैसे फिट हो गया है उसके ऊपर अभी हम लोग जो आउटर कवर है उसका फाइनल हम लोग कनेक्शन करने वाले हैं। उन्होंने बोल्ट निकाले और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कनेक्शन नहीं होता है। ये हमारा हीटर है, ये सिर्फ शाफ्ट के फेसिस पे अंदर होता है और वो घूम रहा होता है और इन दोनों के बीच में कनेक्शन सिर्फ शाफ्ट का होता है, वो भी वेयरिंग के थ्रू, बाकी दोनों बिल्कुल भी डिसअटैच होते हैं। चलो कवर कर देते हैं कंप्लीट। इसे हमारे सही गलत लगाने की बात ही नहीं थी क्योंकि ये बिल्कुल भी लेफ्ट राइट सिमिलर नहीं था, इसके स्पेसिफिक हम लोगों को एक दो होल्स दिए गए थे और वो दोनों मैच कर रहे थे। फटाफट प्लस वाले बड़े स्क्रूड्राइवर से हम लोग टाइट कर लेंगे। जनरली हम लोग कोई भी चीज़ अगर अटैच कर रहे होते तो एक मेथड होती है कि
अपोजिट रूज हम लोग राइट करते हैं, पहले ये हुआ तो उसके अपोजिट वाला नेक्स्ट करेंगे। तो दोस्तों हम लोग रबर लगाना भूल गए थे, इसलिए हम लोगों ने वापस सारे बोल्ट्स खोल दिए, रबर लगा दिया और अभी हम लोग सारे बोल्ट्स वापस लगा देंगे। और ऑब्वियसली हम लोगों ने ये हमारा जो लॉक था वो तो लगाया ही है ताकि हमारा जो रबर है वो ना निकले। इसमें रबर में हम लोग देखना चाहे तो इंडिकेशन था हम लोगों को याद हो तो कि ऊपर की साइड पर ये डॉट्स थे और नीचे की साइड में लगाने देखते तो यहाँ पे स्लॉट्स हैं, तो इन स्लॉट्स से पानी अंदर जाता है। अगर इस साइड कोई पानी आया हो तो ये स्लॉट यहाँ पे उल्टा करके हम लोगों ने पीछे थोड़ा साफ किया है। और मेन ये है, ये जो सपोर्ट्स होते हैं हमारे, मतलब हम लोगों को अगर वॉशिंग मशीन की हाइट बढ़ानी है तो सारे सपोर्ट्स को हम लोग इक्वली खोल देंगे स्क्रू को। तो वैसे ही इतने सालों बाद इस पे जंग लगा हुआ है तो उसमें थोड़ा ऑयलिंग कर लेना चाहिए और इक्वल लेंथ पे खोल के वापस लगा देना चाहिए। तो पहले कल रात को हम लोगों ने बोल्ट्स के आजूबाजू में ऑयल डाल के रखा था इसलिए अच्छे से निकल गए, नहीं तो ऐसे ही इतने पुराने थोड़े जंग लगे हुए बोल्ट निकालना मुश्किल होता है। तो ऐसे ही हम लोगों ने सेम लेवल चारों बोल्ट लगा दिए जिससे पूरा मशीन रेस्ट करेगा। यहाँ पे हमारा जो वाटर का पाइप था ड्रेन पाइप, तो वो उन्होंने उन लोगों ने दो पार्ट कनेक्ट किए थे, वहाँ पे पहले से थोड़ी सी सेलोटेप लगाई हुई थी उसके ऊपर, उसके ऊपर कोई हम लोग और लगा देंगे सेफ्टी के लिए। और थोड़ी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा जो है ये डोर लॉक है, तो ये जब हमारा पूरा साइकिल ख़त्म हो जाता है कोई भी टाइप ऑफ जो होती है उनके धोने का, तो उसके कुछ सेकंड्स बाद ही वो खुलता है अराउंड 3 सेकंड। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर काइंड ऑफ अ टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ होता है जो जब तक थोड़ा ठंडा नहीं हो जाता एक लिमिट तक तब तक वो इसे खोलने नहीं देता। और ये हमारा उन्होंने पहले भी देखा था कि ड्रम में से पानी इसके अंदर जाता है, बट वही तभी जाएगा जब मोटर चालू होगी, मतलब जब कमांड मिलेगा कि पानी ड्रेन करना है तभी पानी ड्रेन होगा, नहीं तो इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। हमारा पूरा जो ड्रम है वो जो हम लोग वॉशिंग मशीन में से निकाल रहे थे तो हम लोग को सर्किट नट रही थी, यहाँ पे आगे का जो पोर्शन है वो थोड़ा नट रहा था इसलिए हम लोगों ने उसे बाहर निकाल लिया, वायर्स को डिस्कनेक्ट किया, प्रेशर सेंसर को भी बाहर निकाल लिया ताकि हम लोग अच्छे से उसे निकाल पाए नड़े नहीं। ये हमारा जो रबर था वो हम लोगों ने अंदर पुश कर दिया ताकि डालते वक्त हमें ये नड़े नहीं जो हम लोग इसे वॉशिंग मशीन के अंदर डाल रहे था। और हम लोग ऐसे प्रोडक्ट डिजाइनिंग के परस्पेक्टिव से देखें तो इतना हम लोगों को क्लियर होगा कि हमारे बोल्ट्स भी सिमेट्रिक नहीं थे, तो हमारा वेट भी सिमेट्रिक नहीं है, कहीं से हीटर का यूनिट है, कहीं से कोई सेंसर लगा हुआ है, तो वेट बैलेंस कैसे होगा क्योंकि रोटेट करना है, कपड़े वॉश होंगे, तो ऐसा वेट उन्होंने फ्रंट साइड पे लगाया है बॉटम, और एक डेड वेट हम लोग इन्होंने ऊपर भी लगाया है, मतलब ऐसे कैलिब्रेट करके डेड वेट भी उतने वेट का लगाया जाता है ताकि बैलेंस रहे और अच्छे से मशीन घूमे। तो चलो डेड वेट लगाते हैं। डेड वेट के लिए यहाँ पे हुक्स दिए गए हैं जिसके अंदर हम लोग भी लेंगे हमारा बोल्ट, तो ऐसा पूरा उसे सरफेस से बैकअप इधर से मिल रहा है और उसके अंदर हम लोग डेड वेट डाल के फिर वॉशर के साथ नट टाइट कर देंगे। ये जो हमारा रबर का बटन है वो हमारी ऊपर की साइड थी और नीचे की साइड पे हम लोग देख रहे हैं ये वेट, तो हमारे ये 4 बोल्ट है जिसपे हम लोग पहले वॉशर लगाएंगे और ऊपर नट लगाएंगे। वॉशर क्यों लगाया जाता है, ताकि हम लोग जब टाइट करें, कुछ ज़्यादा टाइट करें तो नट हमारी जो भी हम लोग जिस भी चीज़ को टाइट कर रहे हैं जैसे अभी यहाँ पे डेड वेट है उसे डैमेज ना करें, नहीं तो फिर उसमें घिसेगा, होल गिर जाएगा क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा नट को टाइट किया
एल्यूमिनियम पे करें तो एल्यूमिनियम टूट सकता है, ज़्यादा टाइट करने से मुड़ सकता है, स्ट्रेंथ खराब हो सकती है। तो वॉशर डालना इज इम्पोर्टेंट। रिंग स्पैनर से हम लोग फाइनल टाइट करेंगे, बाकी तो हाथ से ही बोल्ट चला गया था। तो ये हम लोग उठा रहे हैं और अंदर डालेंगे। पिछली बार की तरह हम लोगों ने रॉड डाला है, जो निकालने के लिए जो मेथड यूज किया हम लोगों ने, ऐसे हम लोग डाल रहे हैं। हमारा जो बेस है पूरा ड्रम के साथ अंदर आ चुका है, हम लोग स्प्रिंग लगा रहे हैं ताकि हम लोग को बाद में पकड़ के ना रखना पड़े, पूरा वेट स्प्रिंग पे आ जाएगा। तो दोनों स्प्रिंग लग चुकी है, अब हम लोग रॉड निकाल सकते हैं। तो हमारा ड्रम अच्छे से अंदर चला गया आउटर कवरिंग के साथ, अब हम लोग बाकी के कनेक्शंस कर सकते हैं। फ्रंट पैनल हम लोग लगा देंगे वापस, तो उसके लिए यहाँ पे ऊपर हम लोग नॉच दिख रहे हैं स्लॉट्स, और वैसे ही एक दो नीचे भी है, तो उसमें हम लोग अच्छे से फिट कर देंगे, पुश करके ही अच्छे से फिट करना है। अच्छे से लग गया है। अब हमारा जो टाइमर बटन होता है जिसे हम लोग मोड सिलेक्ट करते हैं उसे लगा देंगे, लग गया। तो ये जो डैम्पर है वो हम लोग उसकी जगह पे फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर उसके अंदर हम लोग हमारा जो प्लग था वो डाल देंगे। इस साइड का भी डैम्पर हम लोग फिक्स कर लेंगे। फिक्स हो गया है, अब हमारा जो ये प्लग जैसा है वो हम लोग उसके अंदर प्रेस कर देंगे, सिर्फ प्रेस करके पुश करना। उस साइड से हम लोग पुश कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है, तो बाद में वो बाहर एक्सपांड होके लॉक हो जाएगा, उसका जो एक पार्ट हम लोगों ने पिछली बार दबा के निकाला था। तो इस पे हम लोग अभी ग्रीस लगा देंगे थोड़ा सा, ताकि अच्छे से वो हमारे रूज में से आ जाए, और ये जो हमारा लॉक वाला साइड है वो इस साइड रखेंगे हम लोग आउटर साइड पे, बैक साइड पे, ताकि निकालना जब हो तो हम लोग अच्छे से जैसे हम लोग निकलता पुश करके निकाल पाए। चलो ऊपर से हम लोग थोड़ा सा ऐसा प्रेशर देंगे ताकि शॉक एब्जॉर्बर नीचे जाए और अच्छे से मतलब ऊपर खींचे नहीं शॉक एब्जॉर्बर से। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं पीछे, ये हमारा पंप है, ड्रेन पंप। तो वो जब चालू होता है तो ये जो बॉल है वो पीछे जाता है, नहीं तो फिर बॉल सरफेस पे लगा होता है, हम लोग पहले बताया था। तो यहाँ पे हमारे ड्रम के ऊपर का ये ड्रेन आउटलेट है, यहाँ पे हम लोग इस पाइप को लगा देंगे। हम लोग देख रहे हैं टाइट करने के लिए जो रिंग है उसके साथ एक स्क्रू लगा हुआ है, तो वो स्क्रू हमें टाइट करना है। तो पहले हम लोग उसे ऐसे ऊपर अटैच करेंगे, तो ये अभी हम लोगों ने पाइप लगा दिया है। ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि एक यू शेप का स्लॉट है, उसके अंदर हमारा रबर अच्छे से फंस रहा है, तो हम लोग टाइट कर लेंगे। तो ये प्रेशर बेस्ड लेवल सेंसर है, वाटर लेवल हमारे ड्रम में कितनी है वो इंडिकेट करेगा। यहाँ से पानी कोई एक लेवल पे होगा, अंदर का जो गैस है उसके प्रेशर से पता चलेगा कि लेवल। तो उसे हम लोग जगह पे लगा देंगे। ये सब हमें ड्रम जब निकालना था तब हम लोगों को सब ये निकालना पड़ा था।
ये हम लोगों ने देखा कि अच्छे से कैसे ग्रूव बना दिया एल्यूमिनियम की प्लेट के लिए, और एल्यूमिनियम की प्लेट पर हमारा सेंसर लगा है, अब उसका ग्लो नट बोल्ट से टाइट कर लेंगे। रूम में तो फिट हुआ ही है, तो चलो हम लोग लगा रहे हैं ये हमारा लेवल ट्रांसमीटर का पाइप। तो अच्छे से उसको ऊपर ले लेंगे, फिर हम लोग ये जो हमारा प्रेस क्लिप है, तो हम लोगों ने प्रेस क्लिप टाइट कर दिए और अच्छे से हमारा लेवल ट्रांसमीटर लग गया। ये है हमारा टेम्परेचर सेंसर, तो हम लोग उस रबर के अंदर अच्छे से फिट करेंगे। ऐसे हम लोग को रबर उस हमारी जो मेटल की डिस्क है उसके एंड आउटलाइन के ऊपर रबर आ जाना चाहिए, रबर से अच्छे से कवर हो जाना चाहिए, इसलिए स्क्रू ड्राइवर से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके कोशिश कर रहे हैं। जैसे ऊपर की साइड पे थोड़ा सा हुआ है, तो अच्छे से सेंसर लग चुका है। अभी हम लोग प्लास्टिक कवरिंग लगा देंगे, हमारे एक दो बोल्ट हैं उसे हम लोग लगा देंगे अच्छे से, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, बस इसे टाइट कर लेंगे तो हमारा प्लास्टिक कवरिंग लग जाएगा। इसके ऊपर ही हमारा वायर्स हमारे जिप टाई से लगे हुए थे, और यहीं पे हम लोग को दिख रहा है हमारा हीटर का कनेक्शन। हीटर का कनेक्शन करते हैं, हम लोगों ने पहले भी लिखा था आर जी और डब्ल्यू, तो आर आर जी और हमारा डब्ल्यू, हीटर के कनेक्शंस हो गए। दोस्तों हमारे फ्रंट पैनल में स्पिन स्पीड का ऑप्शन होता है, तो वो कैसे चलता है, तो वो मोटर से चलता होगा। तो अभी हमारी मोटर लगा रहे हैं हम लोग, तो ये हाई टॉर्क हाई स्पीड मोटर है। यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कम्यूटेटर्स है, और हम लोग मूव कर रहे हैं तो आजू बाजू में जो ब्रशेस है वो कनेक्ट हो रहे हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से। अंदर जो हम लोग येलो जैसे दिख रहे हैं वो कम्यूटेटर है, और ये जो पीछे ब्लैक है दैट इज़ अ टैकोमीटर। टैकोमीटर हम लोगों को आरपीएम का फीडबैक देता है, और आरपीएम का फीडबैक इसी कनेक्टर से वापस हमारे कंट्रोलर में जाता है, और कंट्रोलर बाद में इनपुट चेंज करता है। हो सकता है डायरेक्ट ऑन ऑफ कंट्रोल हो, पीआई कंट्रोल हो, पीडी कंट्रोल हो, तो कंट्रोल वैसे कंट्रोल करके वो जो स्पिन स्पीड हम लोगों ने देखी 400-500 आरपीएम वैसे लेके आता है। आगे शाफ्ट के ऊपर हमने देखा पुली जैसा लगाया हुआ है, तो उसके ऊपर हमारा बेल्ट आता है, तो अच्छे से उसके अंदर ग्रूव्स दिए गए ताकि बेल्ट अच्छे से होल्ड कर सके। तो बाकी हम लोग देख रहे हैं पीछे हमारे पास दो होल्स हैं जिसमें रबर लगाया हुआ है, वो सीधा पीछे के जो दो स्टड्स हैं उनके अंदर घुस जाता है, वो सिर्फ सपोर्ट के लिए। और आगे भी ये हम लोग को दो स्टड्स दिख रहे हैं, उसके अंदर हमारा जो ये वाले होल्स घुस जाएंगे, और उसके ऊपर बाद में हम लोग बोल्ट लगा देंगे ताकि टाइट रहे, तो अच्छे से मोटर स्टेबल रहती है, मोटर ज़्यादा वाइब्रेट नहीं होती है। चलो लगाते हैं। स्टड्स में अच्छे से घुस गया आगे भी, तो ये भी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग दो बोल्ट लगाने हैं। तो वायरिंग कर देते हैं। ये जो हमारा कनेक्टर है वो ऐसे ही वन साइड ही लॉक होता है, उल्टा हम लोग गलती से भी नहीं लगा पाएंगे, और उन्होंने याद भी रखा था कि ऊपर ब्लैक
नीचे वाइट वैसे ही जा रहा है। और बाजू में हमारा अर्थिंग कवर। तो हमारा जो पुली है मोटर का वो हमारी ड्रम के व्हील को रन करेगा, तो उसके लिए हम लोग को बेल्ट लगाना पड़ेगा। एक साइड पे हम लोग बेल्ट रख के रोटेट कर लेंगे व्हील को। आपने देखा हाथ से बहुत मुश्किल हो रहा था, तो हम लोग स्क्रू ड्राइवर से करते हैं। जनरली स्क्रू ड्राइवर के साथ ही करना चाहिए। बस तो हमारा बेल्ट अच्छे से लग गया दोस्तों। ये बेल्ट भी कभी कभार खराब हो सकता है, मतलब घिस गया हो, निकल जाता है, अगर हम लोगों ने कपड़े ज्यादा डाल दिए हो, एकदम ही ड्रम स्टक हो गया हो, तो तब से हम लोगों को खोल के बेल्ट सही कर देना है या फिर बेल्ट चेंज कर देना है। तो हम लोग बैक कवर लगा देंगे। पहले नीचे के दो स्क्रू लगाए जाते हैं ताकि उसके ऊपर हम लोग हमारा जो बैक कवर है वो रेस्ट कर ले, और उसके बाद सारे बोल्ट डाल दें। अब हम लोग एक करके बोल्ट डाल सकते हैं और फिर टाइट कर लेंगे। यहाँ की स्प्रिंग हम लोगों ने पहले नीचे ही लगा दी थी, यहीं से निकाल के वो हम लोग रबर लेके उसके ऊपर लगाएंगे। बस स्क्रू ड्राइवर से खींच लो, बाहर निकल गई है। अब इस रबर को अच्छे से हम लोग आउटर हमारा जो कवरिंग है उसके ऊपर ले लेंगे। ये हमारे गेट की लॉक होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से अभी फिक्स हो गया, अंदर के साइड पे घुस गया। अभी हम लोग लॉक लगा देते हैं। जनरली लॉक का जो हमारा स्क्रू ड्राइवर वाला पार्ट है जहाँ से हम लोग खोल सकते हैं, हम लोग नीचे की साइड पे रखते हैं ताकि बाद में कभी भी ऑपरेट करना इजी हो। अच्छे से फिट हो गया है। तो ये जो रबर लॉक होता है वो हम लोग को तब निकालना पड़ता है जब हमारा डोर लॉक खराब हुआ हो, तो हम लोग खोलेंगे अंदर से डोर लॉक चेक करेंगे, या फिर अगर रबर फट गया है कहीं से। ठीक है, तो ये हमारा वाटर डिस्पेंसर है। इसके अंदर बाहर से ये हमारा वाटर इनलेट था, वहाँ से दो पाइप्स आते हैं, तो वहाँ पे कमांड जाता है कि कौन से पाइप से भेजना है या फिर दोनों पाइप से भेजना है, तो हम लोग लगा रहे हैं। यहाँ से उसका एयर यूनिट है और उसका वाटर आउटलेट है। चलो लगाते हैं। प्रेस क्लिप पीछे ले ली थी और
अच्छी तरह से लगा दिया, उसके पीछे हमारा वाटर इनलेट पाइप था वो भी हम लोगों ने लगा दिए फिल्टर के साथ। तो अब हम लोग आगे से लगा देते हैं हमारा, हम लोग पाउडर डालते हैं वो भी रख चुका है। यहाँ पे एक डेड वेट था वापस सिस्टम को स्टेबल करने के लिए, वाइब्रेशंस कम करने के लिए, वो हम लोग लगा देंगे। वॉशर्स रखे हुए हम लोग देख रहे हैं, अच्छे से आ गए। नट लगा देंगे दोनों साइड पे, एक साइड में हम लोग ऊपर फिक्स पैनल यूज कर सकते हैं, नीचे से फिक्स पैनल लगा के ऊपर लीवर जैसे अटैचमेंट करके टाइट रखा। बस ये टाइट हो जाए फिर आपकी वॉशिंग मशीन इंटैक्ट है, आप इसके ऊपर ऊपर का कवर लगा के शुरू करके देख सकते हैं। ऊपर का हम लोग कवर लगा दें तो ये जो है ये वॉल के हमारे जो होते हैं वैसे काम करता है। यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि होल्स दिए गए हैं उसके लिए, तो चलो पीछे से ही पुश करके लगाने हैं हम लोग को, और पीछे दो बोल्ट आएंगे ऐसे। हम लोग पहले हम लोग वो तीनों होल के अंदर वो तीन स्टब्स को डाल रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जगह बची है, और अब पीछे से हम लोगों ने पुश किया तो अच्छे से लग गया। अभी इसके ऊपर सिर्फ दो बोल्ट लगाने और हो गया। तो मशीन इज रेडी टू गो, इसके बाद सिर्फ ट्रायल रन लेना बाकी है। दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अलग अलग रिपेयरिंग नॉलेज की वीडियोस देखने के लिए। लाइक कीजिए, आपके कमेंट्स बताइए आप कौन से वीडियोस और देखना चाहते हो, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि अच्छे से शुरू हो गई है मशीन, टेस्ट रन हमारा बड़े अच्छे से चल रहा है, बिल्कुल भी वो नॉइज़ नहीं आ रहा जो पहले आ रहा था।